आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर कि जो इंडक्शन मोटर है किस वक्त वो ज़्यादा करंट खींच रहा होगा, जब वो स्टार कनेक्टेड होगा उस वक्त या फिर वो डेल्टा कनेक्टेड होता है उस वक्त। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो थ्री फेज सिस्टम की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है आपकी बढ़ने वाली है। आपको लाइन वोल्टेज के बारे में बताएंगे, फेज वोल्टेज के बारे में बताएंगे, स्टार कनेक्टेड क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड क्या होता है, मोटर में स्टार्टर को क्यों उपयोग की जाती है, स्पेशली हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे और वीडियो का जो टॉपिक उस पर हम बात करेंगे ही। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने घरों में जो है सिंगल फेज सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि आपको दो वायर दी जाती है, एक फेज़ दिया जाता है और एक न्यूट्रल दिया जाता है। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें, फैक्ट्री की बात करें, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब जगह पे जो है थ्री फेज सिस्टम को यूज़ में लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे तीन फेज वायर भेजा जाता है और एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है। अब इस थ्री फेज सप्लाई से जो थ्री फेज लोड को हम चला रहे होते हैं, मान लीजिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो उस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग किया जाता है, थ्री फेज वाइंडिंग हम कर रहे होते हैं, उसको करने का दो तरीका होता है, उसके कनेक्शन को करने का दो तरीका होता है। एक को हम कहते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में हमने बताया है, वो सिंगल फेज सिस्टम में आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं, जनरेटर की बात कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर की बात करें, तो थ्री फेज मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर रहेगा, उसके अंदर ही हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। सिंगल फेज मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर के अंदर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम आपको तीन वाइंडिंग चाहिए और वो सिर्फ आपको थ्री फेज मशीन के ही अंदर देखने मिलेगा। अगर इस तीन वाइंडिंग को इस तरीके से जोड़ते हैं कि उसका एक एंड जो है कॉमन हो जाता है, बाद बाकी तीन एंड से जो आप सप्लाई दे रहे होते हैं, तो इसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है, इसे हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ से आपको न्यूट्रल मिल सकता है, वो एक वायर कनेक्ट करके निकाल दो और वही आपका न्यूट्रल वायर हो गया। और ट्रांसफार्मर और जनरेटर में जनरली इस न्यूट्रल पॉइंट को हम ग्राउंड भी कर देते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन में हम इन तीन वाइंडिंग को जो है इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग है, ये तीसरा वाइंडिंग है, और ये जो तीन पॉइंट है यहाँ से जो है हम सप्लाई दे रहे होते हैं। अब ये समझ में आ गया आपको डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, अब लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, इसको बढ़िया समझिए। उससे पहले जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि अनअकैडमी जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है। तो हम इस तरह जो है 14th मई को 4 घंटे का फ्री वर्कशॉप जो है आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पर IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हर इंडस्ट्री का फ्यूचर है, तो उसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में वो कैसे यूज किया जाएगा कमिंग फ्यूचर में, उसके बारे में जो है आपको काफी सारी जानकारी दी जाएंगी और सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जो है काफी सारी बातें की जाएंगी। तो जरूर से जो है आप इसका पूरा फायदा उठाएं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करते वक्त जो है आप नो रट्टा का कोड जरूर यूज करें, ताकि फ्री में जो है आप सेशन को अटेंड कर पाए। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो वर्कशॉप है वो सर्टिफिकेशन वर्कशॉप है, यानी इसको अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आप अपने रिज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल में अपलोड कर सकते हैं, जो कोर प्लेसमेंट में आपको काफी ज्यादा फायदा देगा। पिछले मंथ भी काफी सारे लोगों ने अटेंड किया था, काफी सारे लोगों को फायदा हुआ था। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए सेपरेट वर्कशॉप है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, वहां से जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वापस से हम वीडियो में आते हैं, हम लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये जो 415 वोल्ट आपने सुना होगा कि थ्री फेज सिस्टम में होता है, तो ये जो 415 वोल्ट है ये लाइन वोल्टेज होता है। आपके घरों में जो वोल्टेज आ रहा होता है 220-230, तो ये जो 230 वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज है। तो ये कैसे मुझे समझ में आया, लाइन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब दो लाइन के बीच में, दो फेज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, उसे ही हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। अगर आप वोल्ट मीटर लाते हैं जिससे आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, एक टर्मिनल को एक फेज में कनेक्ट कर दिया, आर में कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो टर्मिनल है उसको आप वाई में कनेक्ट कर दिया या बी में कनेक्ट कर दिया, तो वो जो वोल्टेज देगा वो लाइन वोल्टेज होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच का वोल्टेज आप मेजर कर रहे हैं। यही अगर आप एक फेज में कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो है आप न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा वो आपका फेज वोल्टेज होगा। तो इसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं। आपके घर में एक फेज वायर भेजा जाता है, एक न्यूट्रल वायर भेजा जाता है, इसी फेज न्यूट्रल वायर को आप लोड
लोड में कनेक्ट करते थे, इसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आप अपना लोड को चला रहे होते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वोल्टेज है, वो आपका फेज वोल्टेज कहलाता है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम अपने सवाल के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे पास दो मोटर है, एक मोटर का जो स्टेटर वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है और दूसरा जो है आपका डेल्टा कनेक्टेड है। आप दोनों को आपने सप्लाई दिया 415 वोल्ट का। अब ये 415 वोल्ट जो है आपको पता है ये लाइन वोल्ट होता है। अब देखिए स्टार कनेक्शन का अगर मैं आपको कहता हूँ कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये हमें बताओ, तो इसका मतलब आप पहले समझिए। तो कभी भी हम हर वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज की बात कर रहे होते हैं तो उसे हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। और यहाँ पे स्टार कनेक्शन में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, आप देखिए एक एंड जो है आपका फेज कंडक्टर से कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है वो कॉमन है, न्यूट्रल पॉइंट है। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और हमने पहले ही बताया है कि फेज और न्यूट्रल या फेज ग्राउंड के बीच का वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख करके ही पता लगा सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है 415 जो हम दे रहे हैं, ये आपका ज्यादा होगा आपके फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में। हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है जिसे हम फेज वोल्टेज कह रहे हैं, इससे ये ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है, √3 टाइम ज्यादा है। इसको उल्टे तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि आपको लाइन वोल्टेज ऑलरेडी पता है, फेज वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप √3 से डिवाइड कर दे लाइन वोल्टेज को, जो भी आएगा वही आपका फेज वोल्टेज होगा। यानी कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट आपको मिल रहा हो। तो ये तो कहानी था स्टार कनेक्शन का कि लाइन वोल्टेज जो है ज्यादा होता है फेज वोल्टेज के कंपैरिजन में, हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है आपको 240 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा होता है अगर आपका लाइन वोल्टेज 415 है। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, अगर यहाँ भी अगर हम आपको बोले कि भैया हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है सेम 415 इनपुट के लिए, तो यहाँ पे जो है ना डेल्टा कनेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है वो कॉमन है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज यहाँ पे सेम होता है, यानी कि आपका वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 415 वोल्ट ही है। तो वोल्टेज की तो पूरी कहानी समझ में आई, पर ज़्यादा इंटरेस्टेड हम करंट में हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन सा मोटर ज़्यादा करंट आपका खींच रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हम लाइन करंट के बारे में जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने वोल्टेज के बारे में आपको बताया कि फेज वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है, वैसे ही आपका लाइन करंट होता है और फेज करंट होता है। वाइंडिंग के अंदर से कितना करंट आपका फ्लो हो रहा होता है उसे हम फेज करंट कह रहे होते हैं, और मोटर कितना करंट आपका खींच रहा होता है, कंडक्टर फेज के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा होता है उसे हम लाइन करंट कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है, उसी प्रकार से स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ डेल्टा की नहीं, तो स्टार कनेक्शन में आपका लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है। यानी कि वाइंडिंग के अंदर से जितना करंट आपका फ्लो हो रहा होगा उतना ही मोटर आपका खींच रहा होगा, लाइन कंडक्टर से उतना ही करंट आपका फ्लो हो रहा होगा। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, वहां पे लाइन करंट और फेज करंट का क्या कहानी है, तो वहां पे लाइन करंट जो है वो ज्यादा होता है आपके फेज कंडक्टर के कंपैरिजन में। कितना ज्यादा होता है, √3 टाइम ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपको फेज करंट पता होगा तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपको लाइन करंट पता होगा फेज करंट निकालना है तो √3 से जो है आप डिवाइड कर देंगे। और इसको याद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है क्योंकि वोल्टेज की जो पूरी कहानी है उसको कंसेप्चुअली आपने समझ लिया है तो वो तो ऑलरेडी आपको याद है। और करंट का जो कहानी है वो एकदम ऑपोजिट है, ऐसे समझिए कि वोल्टेज जहाँ पे सेम है वहाँ पे करंट डिफरेंट होगा, जहाँ पे करंट सेम है वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर आप पहली बार इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हुआ होगा, पर मुझे पूरा भरोसा है अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आई, पर यहाँ पे एग्जैक्टली करंट कितना फ्लो हो रहा होगा वो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको वोल्टेज तो ऑलरेडी पता है कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, अब अगर आपको करंट निकालना है तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी आप V=IR वाला इक्वेशन यूज़ कर पाएंगे। यानी कि वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे आपको करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, ओवरऑल ऑपोजिशन होता है, उसको हम इम्पीडेंस कह रहे होते हैं। तो मान लेते हैं कि हर वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस है वो 100 ओम है, तो स्टार कनेक्शन में अगर हम फेज करंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 240/100 यानी कि 2.4 एम्पीयर होगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्टार कनेक्शन में जो फेज करंट होता है वही आपका लाइन करंट होता है, यानी कि आपका लाइन करंट भी जो है 2.4 एम्पीयर होगा। यानी कि जो आपका स्टार कनेक्टेड मोटर है उसको इनपुट में आप 415 वोल्ट दे रहे हैं और उसका जो वाइंडिंग इम्पीडेंस है 100 ओम है, तो वो आपका 2.4 एम्पीयर करंट ले रहा होगा। और अगर हम दूसरे तरफ डेल्टा कनेक्टेड की बात करें, वहां भी 415
15 वोल्ट दे रहा है, वहाँ भी जो उसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस है 100 ओम है, तो वहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, 415 था, क्योंकि आपने देखा जो लाइन वोल्टेज था वही फेज वोल्टेज था। तो यहाँ पे फेज करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 415 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 4.1 एम्पीयर करंट जो यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए ये जो 4.1 एम्पीयर करंट है वो फेज करंट है, लाइन करंट कितना होगा, लाइन करंट यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे डिफरेंट होता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। लाइन करंट जो आपका रूट थ्री टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि 4.15 इंटू रूट थ्री, यानी कि 7.18 जो है आपका एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा होगा। मतलब समझ में आया आपको, दोनों ही मोटर को जो है इनपुट वोल्टेज हमने 415 दिया, उसका वाइंडिंग इम्पीडेंस भी जो है 100 ओम है, पर जो डेल्टा कनेक्टेड है वो आपका 7.18 एम्पीयर करंट ले रहा है, और जो स्टार कनेक्टेड है वो आपका 2.4 एम्पीयर करंट ले रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आपका डेल्टा कनेक्टेड मोटर है वो ज़्यादा करंट ले रहा होता है स्टार कनेक्टेड मोटर के कंपैरिजन में, और इसी वजह से जो है हम 5 HP के ऊपर वाले मोटर में जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है कि मोटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो वो ज़्यादा करंट ले रहा होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या करते हैं कि हम पहले स्टार में कनेक्ट कर देते हैं, उस वक्त वो कम करंट ले रहा होता है, फिर वो जैसे ही रेटेड स्पीड में पहुँचता है हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, और अब आप फील भी कर पा रहे होंगे कि ये स्टार्टर जो है किस तरीके से काम कर रहा है। एक सवाल जो है आपको अभी भी परेशान कर रहा होगा कि आखिरकार ये मोटर स्टार्ट होते वक्त ज़्यादा करंट लेता ही क्यों है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप सारी ज्ञान ले सकते हैं।